हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फिर से एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियोस पे मैं आपसे को कुछ बताने वाला हूं थायराइड ऐप्स के बारे में। आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं वीडियो देख ही लिया होगा थायराइड ऐप्स के बारे में। इंस्टाग्राम ने एक थायराइड ऐप्स के नाम से नया ऐप लॉन्च किया है। ये ऑप्शन आपको इंस्टाग्राम में भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियोस पे मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड ऐप्स है क्या। बहुत सारे लोगों का मन पे सबसे बड़ा यही सवाल है, व्हाट इज थायराइड ऐप्स, थायराइड ऐप्स है क्या। एंड उसके साथ साथ मैं आपको थायराइड ऐप्स को किस तरीके से डाउनलोड करना है, कैसे उसमें आपको अकाउंट यूज करना है, उसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाता है, कैसे आपको पोस्ट वगैरह करना है, और थायराइड ऐप्स एक्चुअल पे है क्या, इसी के बारे में आज के इस वीडियोस पे बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियोस को फटाफट शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम थायराइड ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन पे। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने से आप वहाँ पे थायराइड्स लिखकर अगर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे थायराइड्स का ऐप देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही नॉर्मल हर एक ऐप्स को आप यूज करते हैं, सॉरी डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार से आपको थायराइड ऐप्स को भी डाउनलोड कर लेना। अगर आप आईफोन iOS डिवाइस के यूजर्स हैं तो आपको क्या करना है, जो इसके ऐप्स स्टोर है आईफोन का ऐप स्टोर पे जाना है और वहां से आपको यूज कर लेना। नहीं तो आपको एक ऑप्शन और मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया, यहां पे आप ध्यान दीजिए। जैसे ही देखिए आप क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम को आप जैसे ही ऑन करते हैं ना, तो यहां पे अगर आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, देन यहां पे साइड में थ्री डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे आपको एक @ लिखकर थायराइड ऐप्स न्यू बोल के ये वाला ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थायराइड्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, इनवाइट कर रहा है। एंड गेट थायराइड्स पे अगर आप क्लिक करते हैं यहां से, तो सीधा ये आपके फोन के, अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, या फिर आईफोन्स के यूजर है तो आपको वहां पे ले जाएगा। सिंपल सी चीज है, यहां से आप शॉर्टकट में भी इस थायराइड ऐप्स पे डाउनलोड करने के लिए जा सकते हैं। मैं यहां पे आ चुका हूं, देन यहां पे मैं गेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। मेरे आईफोन है तो मुझे गेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको हो सकता है वहां पे डाउनलोड या फिर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा एंड्रॉइड फोन पे। तो जैसा भी हो, जो भी फोन आप यूज करते हैं, डोंट वरी, आपको सिंपल ऐप के तरह इस ऐप को भी अपने फोन पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें अकाउंट कैसे बनाना है एंड इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा एंड थायराइड ऐप्स एक्चुअल पे है क्या, इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, डाउनलोडिंग होना शुरू है, तो इसको तब तक हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड जितना फास्ट होगा ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट कितना फास्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ये आपका ऐप भी उतना ही ज्यादा फास्ट डाउनलोड होगा। तो इसको हम पहले डाउनलोड होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ऐप जो है थायराइड ऐप, इंस्टाग्राम ऐप है ये मेरा डाउनलोड कंप्लीटली हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस ऐप को ओपन करना है। ओपन के बटन पे हम क्लिक करते हैं। ओपन क्लिक करते ही आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। एंड सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट के जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स है, आपका यूजर नेम, आपका बायोडाटा, आपका बायो, आपका लिंक वगैरह जितने भी है ना, इस ऐप पे इंस्टाग्राम से ऑटोमेटिकली सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप चाहो सेम टू सेम इंस्टाग्राम के तरह अगर सेंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेंक्रोनाइज हो जाएगा। अगर आप कुछ अलग से इसमें नाम रखना चाहते हैं, अलग यूजर नाम बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, नो इशू। देखिए जैसे यहाँ पे मेरा दिखाई दे रहा है लॉग इन विथ इंस्टाग्राम दिखा रहा है ना, मैं सिंपल से लॉग इन विथ इंस्टाग्राम पे क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पे गेट रेडी फॉर थायराइड रेडी हो रहा है। अभी थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगेगा, देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का नाम, मेरा जो डिटेल था उन्होंने ले लिया। अब यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अगर आप मैं क्लिक करूंगा तो इंस्टाग्राम से जो भी मेरा डिटेल्स है, डाटा है, वो पूरा का पूरा थायराइड ऐप्स के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ऊपर एस्केप का ऑप्शन है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये एस्केप भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एस्केप नहीं करना चाहूंगा। या फिर यहाँ पे सिंपली मैं टाइप करके जो भी चीज़ रखना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कस्टमाइजेशन अगर आपको रखना हो तो आप वो भी अपना नाम, बायो, लिंक वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम के बटन पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया देखिए मेरा लिंक है यूट्यूब का इंस्टाग्राम पे वो आ गया, मेरा बायो जो था इंस्टाग्राम पे वो भी यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होके। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के बटन पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, पब्लिक प्रोफाइल। आप अपने प्रोफाइल को पब्लिक रखना चाहते हैं या फिर प्राइवेट रखना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट प्रोफाइल या फिर पब्लिक प्रोफाइल। तो मैं पब्लिक प्रोफाइल करूंगा, देन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आया ना, ये काफी जोरदार और यूनिक फीचर्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा इंस्टाग्राम के जितने भी फॉलोइंग है, मतलब मैंने जिसको फॉलो करके रखा है ना, वो सभी के सभी यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जितने भी मेरे हैं
फॉलोइंग यहाँ पे देखिए, इन सभी को मैं अगर चाहूँ ना एक क्लिक में, सिर्फ एक क्लिक में यहाँ फॉलो ऑल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फॉलो ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इन सभी को मैं एक क्लिक में फॉलो करूंगा, और ये जितने भी मेरे फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है, वो सभी के उन लोगों के पास में नोटिफिकेशन चला गया होगा। नोटिफिकेशन चला जाता है कि मैंने थायराइड ऐप को डाउनलोड किया, नोटिफिकेशन जाएगा, वो लोग भी फॉलो करेंगे या फिर डाउनलोड करें, इंस्टाग्राम इसका नोटिफिकेशन भेज देता है। तो चलिए मैं इन सभी को फॉलो करना चाहता हूँ, फॉलो ऑल के बटन पे मैंने क्लिक किया, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा हाउ थायराइड वर्क्स, इस एप्स किस प्रकार से वर्क करता है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पावर्ड बाय इंस्टाग्राम, जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी मैंने जैसे कि पहले ही आपको कहा, इंस्टाग्राम ने एक थायराइड नाम के ऐप को लॉन्च किया है जो कि काफी यूनिक एक ऐप है। और ये क्यों लॉन्च किया मैं आपको थोड़ी देर में, इसका इंटरफेस जो होगा पोस्ट का जब आएगा मैं आपको तभी बताऊंगा। एंड यहाँ पे जो योर डाटा है, द फेडिवर्स है, पूरी डिटेल्स लिखा हुआ है, एंड उसके बाद ज्वाइन थायराइड पे हमें क्लिक कर देना। जैसे हम ज्वाइन थायराइड पे क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट थायराइड ऐप पे बन जाएगा एंड हम इस पे लॉग्ड इन हो जाएंगे पूरी तरीका से, एंड इसके बाद जो है इस ऐप्स को हम यूज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए थायराइड ऐप्स का जो नोटिफिकेशन होता है, आप चाहते हो अलाउ करना तो कर सकते हैं, मैं फिलहाल डोंट अलाउ कर रहा हूँ। इस ऐप्स की जो भी नोटिफिकेशन वो आपको मिले या नहीं, उसके बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुलकर ये आ जाएगा। ये जितने भी आपके इंस्टाग्राम के फॉलो करके आपने रखा था उन सभी का पोस्ट वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस ऐप्स का इंटरफेस को आप ध्यान से देखिए, इंटरफेस को देखकर आपको क्या लगता है, कैसा लग रहा है, कुछ याद आया नहीं आया? तो चलो मैं बताता हूँ, इस ऐप्स का इंटरफेस को देखिए। ट्विटर नाम तो सुना ही होगा, ट्विटर का सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये सेम टू सेम ट्विटर के जैसा ही इसको बनाया गया है। और जहां तक मुझे लगता है इंस्टाग्राम ने एक बहुत बड़ी अच्छा डिसीजन लिया, फैसला लिया, और ये ट्विटर को बीट करने के लिए यानी ट्विटर को मात देने के लिए ही ये बना रहे। क्यों मैं बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे हम क्या करते थे, फोटोज या वीडियो सिर्फ दो ही चीज उस पर अपलोड कर सकते हैं यानी पोस्ट कर सकते थे, वहां पे हम कोई टेक्स्ट पोस्ट नहीं कर सकते थे। जैसे फेसबुक में टेक्स्ट वगैरह पोस्ट करते हैं वैसा इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट से पोस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस एप्स के अंदर पे आप टेक्स्ट लिंक जो भी चीज हो जैसे ट्विटर पे पोस्ट करते हैं वो सभी उसी प्रकार से आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम ने एक बड़ा शायद हो सकता है फैसला लिया, डिसीजन लिया कि भैया ट्विटर को बीट करने के लिए या फिर ट्विटर को मात देने के लिए जो भी हो उसको लिए इन्होंने एक थायराइड ऐप्स को भी लॉन्च कर दिया। तो काफ़ी अच्छा एक ऐप्स है, यहाँ पे अब आप टैक्स से रिलेटेड भी कुछ भी हो टैक्स वगैरह का भी आप पोस्ट इस ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका इंटरफेस देखिए सब कुछ है, यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिपोस्ट कर सकते हैं, जितने भी फीचर्स ट्विटर्स पे है वो सभी के सभी फीचर्स आपको थायराइड ऐप पे देखने के लिए मिल जाता है। सब कुछ आप यहाँ से थायराइड ऐप के थ्रू कर सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका प्रोफाइल डिटेल दिख जाएगा, एडिट प्रोफाइल आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेम इंस्टाग्राम की तरह एडिट प्रोफाइल कर सकते, जो भी मेरा यहाँ पे थायराइड होगा मैं जो भी पोस्ट करूंगा यहाँ पे मेरा पोस्ट आएगा, यहाँ पे रिप्लाई जो हम करेंगे वो रिप्लाई यहाँ पे आपको दिख जाएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करके कुछ सेटिंग्स वगैरह है, प्राइवेसी है, अकाउंट है, तो सेम टू सेम वही सारी चीज़ें जो भी आपके इंस्टाग्राम के सेटिंग्स वगैरह था ना वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर लिया। एंड इसके इंटरफेस को आप देखिए एक बार, यहाँ पे सर्च का बटन है, यहाँ पे आप किसी को भी सर्च वगैरह कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वाला फील आएगा, यहाँ पे देखिए टैग्स कर सकते हैं आप, टैग्स का पोस्ट लिखकर, मैं जैसे लिखता हूँ हाई हाई, मैं यहाँ लिखता हूँ हाई फ्रेंड्स, हाई फ्रेंड्स, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये हो गया। इस पर मैं अगर फोटोज वगैरह अटैच करना चाहूँगा तो अलाउ एक्सेस करेंगे, यहाँ से मैं एक ही वाला फोटो को मैंने अटैच कर दिया, देखिए यहाँ से फोटो अटैच हो गया, मैंने टैक्स लिख दिया। एंड इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे पोस्ट के बटन पे क्लिक करके मैं इसको पोस्ट भी ऐसे कर सकता हूँ। सो पोस्ट करना काफ़ी आसान और ईजी है। थायराइड ऐप्स बहुत ही एक यूनिक ऐप्स है और न्यू अभी मार्केट में आया, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसमें आप अपना अकाउंट को क्रिएट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए और अपने प्रोफाइल को सेव कर लीजिए। हो सकता है आप थायराइड में वायरल्स हो जाए, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ जो आता है उस पर आप जितना जल्दी कुछ करने की कोशिश करते हो सकता है उतना जल्दी आपके साथ भी कुछ अच्छा ही होता होगा। तो देखिए ये मेरा पोस्ट यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है। देखिए मेरा पोस्ट हो चुका है, व्यू दिखा रहा है, पोस्टिंग ये हो गया। अब यहाँ पे कोई भी लाइक करेगा, शेयर करेगा, रीपोस्ट इसको कर सकता है, सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मेरा क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा नेट एक्चुअल पे थोड़ा स्लो है, गोल गोल घूम रहा है, आपको दिखा दे रहा। तो आपके नेट इंटरनेट जितना फास्ट होगा इतना फास्ट ये चलेगा। तो काफ़ी ये यूनिक है, देखिए यहाँ पे कोई अगर लाइक वगैरह करता है या फिर फॉलो का यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा ना, ये देखिए मेरे पास कितना लोगों ने फॉलोइंग किया, फॉलो रिक्वेस्ट आ चुका है सभी का, ऑटोमेटिकली इतना फॉलो रिक्वेस्ट अभी तुरंत आया।
मैं यहाँ से सबको इस तरीके से कंफर्म कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इन सब को फॉलो, जो रिक्वेस्ट आया इन लोगों को मैंने कंफर्म किया। देखिए सब कंफर्म हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ से कंफर्म मैं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक तो नहीं मैं खुद ही कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे वेरीफाई जो अकाउंट्स है वो वेरीफाई दिखेगा, या मेंशन कोई करता है तो दिखेगा, यहाँ पे रिप्लाइज वगैरह दिखेगा, यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज हमारा दिख जाएगा। तो मैंने इन लोगों को भी फॉलो किया एंड यहाँ पे देखिए कंफर्म कर लिया, मेरा यहाँ पे 16 फॉलोअर्स हो चुका है। तो यहाँ पे फॉलोअर्स वगैरह भी दिखा रहा है, अभी जस्ट मैंने इस पर साइन अप किया, अभी सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का, जितना भी फॉलोअर्स है या फिर मैं जिन जिनको फॉलोइंग करके रखा हूँ। तो फिर धीरे धीरे इस पर कन्फर्म जो रिक्वेस्ट है फॉलोइंग का वो आते रहेगा, कन्फर्म करते रहेंगे तो हमारा फैन फॉलोअर्स इसमें बढ़ते जाएगा। बाकी इंटरफेस काफ़ी ईजी और अच्छा है यहाँ पे देखने के लिए, इस थर्ड ऐप पे तो काफ़ी ज़ोरदार एक थर्ड ऐप है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। अब हम इसमें ही कर सकते हैं, यानी हमें और तरह तरह के ट्विटर्स हो गया, कुछ और हो गया, यूज तो करना ही है। देखिए भैया ट्विटर ट्विटर्स है, ट्विटर को मात देना बीट करना इतनी आसानी नहीं है, ट्विटर ट्विटर्स है आप लोगों को पता है, बट फिर भी थ्रेड्स भी एक आ गया है तो काफ़ी एक अच्छा और बेटर हो रहा है क्रिएटर के लिए, यूजर्स के लिए। एंड सबसे बेस्ट फीचर्स इसमें क्या है ये पता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए मेरा सॉरी ये मेरा एक्चुअली प्रोफाइल, एक मिनट, ये मेरा थायराइड्स का मैंने प्रोफाइल है, ये थायराइड्स का मेरा देखिए प्रोफाइल है, ये आ गया ना प्रोफाइल, यहाँ पे मेरा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक लोगो दिखा रहा है जो कि इंस्टाग्राम का लोगो है, ये वाला लोगो इंस्टाग्राम का, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली हमें रिडायरेक्टिंग करके लेके चला जाएगा इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे, वहाँ पे हम इंस्टाग्राम को यूज कर सकते। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मैं आ चुका हूँ मेरा इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, यहाँ पे देखिए अकाउंट पे आ गया। एंड जैसे ही आप इस थायराइड ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, साइनअप कर लेते हैं ना, तो आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के यहाँ ऊपर में एक जो आईडी है ना थायराइड का लोगो देकर एक आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, प्रोफाइल आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लिंक ऐड हो जाता है, और कोई भी अगर इस लिंक पे क्लिक करेगा ना तो ये थायराइड ऐप्स का प्रोफाइल पे आपका चला जाएगा। देखिए यहाँ व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं अपने थायराइड्स की जो प्रोफाइल है यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो इससे उसमें जा सकते हैं, उससे इसमें आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा और यूनिक ये फीचर्स है जो कि सिंक्रोनाइज वाला फीचर है, बेस्ट है। एंड शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करके आप प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप कर सकते हैं। इजी है इंटरफेस इसका यूज करना काफ़ी आसान है। एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए, अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं, मेंशन म्यूट हाइड प्रोफाइल ब्लॉक जो भी लाइक वगैरह, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स है ना थायराइड ऐप्स एक काफ़ी बढ़िया और अच्छा सा ऐप्स, लाइक एज ए ट्विटर्स की तरह, ट्विटर्स की तरह आप अब इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताया, मुझे पता है, लेकिन हाँ आप इस ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, साइनअप कीजिए, अकाउंट बनाइए। जो लोगों का कन्फ्यूजन था न्यू ऐप्स है तो मैंने वो कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिया, लेकिन आप डाउनलोड साइनअप कीजिए, इसको यूज कीजिए, धीरे धीरे एक दो घंटा ये यूज करेंगे, मुझे पता है आप लोगों के पास इतने टैलेंट तो है, एक्सपीरियंस तो है, एक दो घंटा अगर आप इस ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो इस ऐप्स का मेरे से बेटर फीचर्स आप लोग खुद ही निकाल लेंगे और खुद ही आप लोग जानकारी ले लेंगे, यानी आप लोगों को पता हो जाएगा कि इस ऐप्स में ऐसा क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है। एंड इसमें अगर कुछ यूनिक फीचर्स वगैरह कुछ होता तो मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करता, जो था वो मैंने आपको बताया। बाकी ऐप्स को आप यूज कीजिए एंड कैसा आपको ये ऐप्स लगता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल्स को, एंड मैं चलता हूँ, बहुत ही जल्द फिर मिलूंगा एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो के साथ। फिलहाल आज की वीडियो पे इतना ही, बाय, टेक केयर एंड भैया थैंक्स फॉर वॉचिंग।